हमारे बीच में अगर कोई पहली बार इस हिंदी सभा में आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। आप अगर खड़े रहेंगे तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। अगर आप पहली बार हिंदी सभा में आए हैं तो इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम इन आवर हिंदी वर्शिप आई वुड लाइक टू आस्क यू टू प्लीज स्टैंड अप। वी विल रिकग्नाइज यू एंड वी वुड लाइक टू टेक नेम एंड एड्रेस। अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ आइए। हर संध्या काल के समय 4:30 बजे से 6:30 बजे तक ये सभा है, तो आप जरूर आइए और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करके जाइए। आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसमें आप अपना नाम लिख लीजिए, अपना फ़ोन नंबर और कोई प्रेयर पॉइंट्स अगर है तो आप बता सकते हैं। प्लीज़ टेक योर सीट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हुए इस हिंदी सभा में इस प्रकार हम सब परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु हमारे संग हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा समय हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करते हैं। जो भाग आज मैंने चुना है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से लिया गया है। मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर 5 पाँचवें अध्याय से लिया गया है, माफ़ करिए, मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर नंबर 5। इस मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर नंबर 5 में जो है पूरे 48 वचन है, 48 वर्सेस आर देयर। इस पूरे 48 वचन को हम जितने बार भी पढ़े वो कम है, बिकॉज दिस पार्ट इज वेरी वेरी फेमस इन क्रिश्चियनडम। उतना ही नहीं, हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब इस प्रकार जीना चाहते हैं और जीने की कोशिश भी हमें करना है। सो भजन संहिता में जो भी बातें हम देखते हैं उन बातों में जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आराधना की, उन सब का जो गुण है वो यहाँ पर हम इसमें देख पाते हैं। सो मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर नंबर 5 में उसके 5वें अध्याय में यीशु मसीह जो है उपदेश दे रहे हैं और उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि धन्य कौन है। धन्य वे हैं जो मन के दीन है। तीसरे वचन में लिखा है धन्य वे हैं जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सो मन का दीन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम मन के दीन हैं तो हम धन्य हैं, और बाइबल में जिस व्यक्ति को भी धन्य कहा गया है वो सबसे श्रेष्ठ है। सो प्यारे दोस्तों, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। चौथे वचन में लिखा है धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो मन में शुद्ध हैं क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो इन सारे वचनों को अगर हम देखें तो कम से कम 8 से 9 बार हम धन्य शब्द को देखते हैं, और इस प्रकार का जो क्वालिटी जो है परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर भी हो। हम जो है इन क्वालिटीज़ को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, ये प्रभु आप में से हर एक के साथ चाहते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति जो है वो धन्य है परमेश्वर की नज़र में, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम उस धन्यता में आगे बढ़ते चले जाएँ। हम दयावंत बने, हम मन के शुद्ध बने, हम मेल कराने वाले बने, हम धार्मिकता के कारण सताने के लिए, सताए जाने के लिए सिद्ध रहने वाले बने। सो प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए कि हम अपने जीवन में इन बातों को लेकर चलने वाले बने, इन बातों को हमारे जीवन में हमेशा लोग जो हैं देखने वाले बने और इन बातों को हम कभी भी भूलें ना। और इसीलिए इन वचनों को बहुत सारे जगह पर पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि इसे पूरा करें। कई बार हम भी कोशिश की, कई बार फेल हुए हैं, परंतु परमेश्वर का वचन एक बार फिर से याद दिला रहा है कि लेट अस ट्राई अगेन सो दैट वी मे बी द ब्लेसेड पीपल, वी मे बी द ब्लेसेड पीपल इन गॉड्स प्रोस्पेक्टिव इन द सेम टाइम इन आवर लाइफ ऑल्सो। सो लेट अस ट्राई आवर बेस्ट टू बी ब्लेसेड इन आवर लाइफ्स। तो आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए इन पूरे 48 वचनों को तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसके आखिरी वचन में जब हम आते हैं, उसके आखिरी कुछ वचनों में जब देखते हैं
फिफ्थ चैप्टर में अगर हम 43 से लेकर अगर आगे बढ़े 43-48 वचनों को अगर हम देखें, वहाँ पर हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर हमसे एक विशेष रूप में देखना चाहते हैं। परमेश्वर हम सबों को एक विशेष रूप से देखना चाहते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हम उस प्रकार ना बने, हम उन लोगों की तरह ना बने, परंतु हम सबसे हटकर अलग बने। देखिए उसके 43वें वचन में लिखा है, 43 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। वो कह रहे हैं कि आप अपने से प्रेम करने वालों के साथ प्रेम करते हैं तो कोई महान काम नहीं कर रहे हैं। वट वी हैव टू डू इज द वन हु हेट यू, यू हैव टू लव देम। जो आपसे बैर करते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनसे प्रेम करना है। दोनों बात 44th वर्स में लिखा है, जो लोग आपसे बैर करते हैं उनसे आप प्रेम करिए और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करिए। सो दैट्स व्हाट द यूनिक लाइफ ऑफ क्रिश्चियनिटी इज। हम सबके जीवन में वो महत्वपूर्ण बात है। और आगे चला जाए 46 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल है, दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। उसके 47th वर्स में लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, ऐसा तो बाकी लोग भी करते हैं। इन सारी बातों को बताते हुए 48th वर्स में जब आते हैं तो वहाँ पर वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए दे रहे हैं, एंड दिस एग्जाम्पल इज गॉड द फादर हिमसेल्फ। तो आज हम इस संध्याकाल के समय उस पिता परमेश्वर को अपना उदाहरण लेते हुए, जिस प्रकार पिता परमेश्वर सिद्ध है, मैं और आप भी सिद्ध बने, यही हमारा टॉपिक है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। बी परफेक्ट एज योर फादर इज परफेक्ट। अ फादर इज परफेक्ट। हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है वो सिद्ध है, वो खरा है, वो उसमें किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं है। तो उस प्रकार मैं और आप भी बने, ये यहाँ पर हमें बाइबिल हमें सिखा रही है। सो हमारा मेन उद्देश्य जो है, उसका कंक्लूजन जो है, लेट अस ट्राई टू बिकम परफेक्ट, क्योंकि हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो वन इज परफेक्ट। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर हमें परफेक्ट बनना है तो किसी मनुष्य को ना देखें, किसी कलीसिया को ना देखें, किसी और को ना देखें, परंतु हम किसको देखें, हम केवल और केवल अपने स्वर्गीय पिता को देखें जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया है। और सारी सृष्टि को बनाकर जब उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि उनके विरोध में थी, तब भी उन्होंने उनसे नफरत नहीं किया, उनसे प्रेम करते हुए मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए और उन्होंने हम सबको बचाने के लिए उस कलवरी के क्रॉस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए। ऐसा महान प्रेम यीशु मसीह का प्रेम है, और इसलिए हम भी उस सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। अगर इस वर्ड परफेक्ट को अगर हम ग्रीक भाषा में देखें तो ग्रीक भाषा में इसका प्रयोग जो है टेलियोस के रूप में लिया गया है। टेलियोस इज द वर्ड यूज फॉर परफेक्ट। उसी प्रकार पुराने नियम अगर हिब्रू भाषा में देखें तो वहाँ पर तामीम इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तामीम, इन दोनों ही शब्द में ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में जब हम टेलियोस या फिर हम तामीम कहते हैं तो उसका अर्थ ये है कि यू हैव टू बी कंप्लीट, आप जो है परिपूर्ण हो जाए, दैट इज कॉल्ड परफेक्शन। आप जो है मैच्योर हो जाए, अभी आप छोटे नहीं परंतु बड़े हो गए और मैच्योर हो जाए, मैच्योरिटी में आप बढ़ते चले जाए। और अगर उसका अर्थ देखें तो वहाँ पर लिखा है फुल्ली डेवलप्ड, यू हैव टू डेवलप फुल्ली, पूर्ण रूप से आप जो है परिपक्व होकर परमेश्वर के स्वरूप को धारण कर लो। दैट इज वॉट द परफेक्शन इज, एंड दैट्स वॉट गॉड्स परफेक्शन इज टॉकिंग अबाउट। तो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप उनके लिए उनके समान परफेक्ट हो जाएं, पिता परमेश्वर के समान परफेक्ट हो जाएं। और इसी भाषा को जो है तामीम से जो है तमाम बना है, जो हिंदी भाषा या उर्दू भाषा में तमाम कहते हैं, और कई बार इस बात का प्रयोग हम करते हैं, काम तमाम कर दो, काम तमाम हो गया है, दैट इज द वर्क इज फिनिश्ड, द वर्क इज परफेक्टली फिनिश्ड। तमाम तमीम से निकल के आया तमाम, और वो शब्द जो है हमें याद दिलाता है कि हम सारी चीज़ों को परिपूर्ण करने वालों में बने, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर परिपूर्ण है, वो संपूर्ण है, और उनकी संपूर्णता में मैं और आप बढ़ते चले जाएं।
तो उनकी संपूर्णता में बढ़ने के लिए एक दो वचन हम यहाँ वहाँ से देखेंगे जो बाइबल में पाया जाता है, क्योंकि बाइबल के वचन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बाइबल जो हमें बताती है वही हमें करने की ज़रूरत है। सो 48th वर्स जो है हमें याद दिलाता है कि गॉड इज़ परफेक्ट, सो वी हैव टू बी परफेक्ट एज अ फादर इज़ परफेक्ट। सो गॉड्स परफेक्शन इज़ समथिंग स्पेशल वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू हैव दैट परफेक्शन इन अवर लाइफ। परमेश्वर की जो परिपक्वता है, परमेश्वर की जो सिद्धता है, उसमें हम मैं और आप बढ़ते चले जाएं। एक वचन देखिए यहाँ पर, पतरस जो है जो यीशु मसीह के शिष्यों में से एक था, और पतरस जो है कई बार कोशिश कर रहा था कि वो परिपक्व बने, परंतु कई बार वो फेल होते चले जा रहा था, और हर बार जब फेल होते जा रहा था और अंत में जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ, तब भी वो जो है यीशु मसीह पर उतना विश्वास नहीं कर पाया जितना उसको करना था। और इसलिए जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद जब उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, उन 40 दिनों में जब उनको दिखाई नहीं दिए, उस बीच में ही पतरस जो है कम से कम 7 शिष्यों को लेकर वो मछली पकड़ने चला गया। He went for fishing। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में हम पाते हैं, जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 21 में 15 से लेकर उसके आगे के वचनों में अगर हम देखें तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पतरस से यीशु मसीह बातें कर रहे हैं, और बैकग्राउंड ये है कि यीशु मसीह जो है उनके साथ नहीं है, और पतरस जो है यीशु मसीह को छोड़कर वो अपने काम में संलग्न हो गया है। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ था, 3.5 साल यीशु मसीह उनको खिलाए, 3.5 साल यीशु मसीह उनको बहुत से आश्चर्य कर्म दिखाए, 3.5 सालों में उन्होंने बहुत कुछ देखा, परंतु वो परिपक्व नहीं हुए, परंतु वो सिद्ध नहीं बन पाए। और उस समय में आखिरी में जब यीशु मसीह जो है उनके पास आते हैं और आखिरी में जब उनसे बातें करते हैं तो वो मछली पकड़ रहा है, और मछली पकड़ने के लिए जब गया तो उसको सारी रात कोई मछली नहीं मिली करके बाइबल बताती है। जॉन्स गॉस्पल चैप्टर नंबर 21 उसके 15 से लेकर आगे देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह इस पतरस से बातें कर रहे हैं, और पतरस से बातें करते हुए कह रहे हैं कि पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। उसके 15 वर्स में लिखा है, शमोन यहोन्ना के पुत्र तू क्या इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, यीशु मसीह चाह रहे हैं कि हम उनसे प्रेम करने वाले बने, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में चखा है, हमने देखा है कि उन्हें हमारे लिए कैसे अद्भुत कार्य किए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। जो द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ आवर परफेक्शन इज, हमें सिद्ध बन रहे हैं तो सिद्ध बनने में पहला जो कारण है या पहला जो हमारे अंदर दिखना चाहिए वो है कि हम यीशु मसीह से प्रेम करने वाले बने, हम यीशु मसीह से प्रेम करने वाले बने। और यहाँ पर 17-18 में अगर हम देखें तो वहाँ पर फिर से यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम उनसे प्रेम करता है, दूसरी बार 16 वचन में पूछ रहे हैं, तीसरी बार वो जो है 18 वचन में पूछ रहे हैं, 17 वचन में, और तीनों बार वो कह रहे हैं कि हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। So first thing we have to understand that to become perfect you have to love Jesus Christ, that's important. Dusri baat, what we have to do is we have to follow him, hame unka anukaran karna hai. Uske 18th 19th vachan mein likha hai ki agar tum mujhse prem karte ho to mujhe mere piche chalo. Dekhiye uske 18th vachan mein likha hai ki agar tum mujhse prem karte ho to mujhse mere piche chalo या मुझे फॉलो करो। दैट टॉक्स अबाउट दैट वी हैव टू फॉलो जीसस इन ऑल आवर लाइफ। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे तो हम क्या होंगे, हम जो है परफेक्शन में जाएंगे। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हम परमेश्वर के कार्य को करते चले जाएं। वी हैव टू वर्क फॉर हिम, वी हैव टू लव हिम, वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड वी हैव टू लिव फॉर हिम। हम उनके लिए जीने वाले बने, उनसे हम सीखते हुए उनके पीछे चलने वाले बने, और हम उनसे प्रेम करने वाले बने। ये तीन बातें अगर हमारे अंदर होगी तो हम जो है वो परफेक्ट बन सकते हैं। ये तीनों बातों को जब पतरस सीखा तो पतरस ने अपने किताब में एक बात को लिखा है, 1 पीटर 1:16 में अगर हम देखें तो वहाँ पर पतरस जो है एक बात को कह रहा है, दिस सेम पीटर हु सेड दैट
I will not follow Jesus, this Peter changed his life. And after that, he filled with the Holy Spirit. And Book of Acts, we see that. प्रेरितों का हम देखते हैं कि उन्होंने कई हजार लोगों को सुसमाचार सुनाया और कई हजार लोग कलीसिया में जोड़े गए. और जब पहला पत्रस उसके पहला अध्याय उसके 16 वचन में आते हैं, तो ये पत्रस लोगों को सिखा रहा है. क्या सिखा रहा है? कि मेरा पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो. गॉड इज होली, सो यू हैव टू बी होली. दैट्स वॉट ही इज टीचिंग. सो दैट इज कॉल्ड परफेक्शन. यही जो है सिद्धता को याद दिलाता है. देखिए बहुत ही अच्छे रूप से वहां पे लिखा है, फर्स्ट पीटर उसका पहला अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, बी होली फॉर आई एम होली. पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं. सो ये हम पत्रस की भाषा में सीखते हैं. पत्रस की बोलो, पत्रस इस प्रकार हमें सिखा रहा है. जो पत्रस हमेशा परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर के साथ रहते हुए भी वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे सिखाया कि तू मुझसे प्रेम कर या मेरे कार्यों को कर या मेरे पीछे चल, तब उसने उस सिद्धता की ओर बढ़ते हुए वो उस सिद्ध बातों को लोगों को सिखाने लगा. सो पहली बात जो हम देखते हैं वो ये है, इन गॉड्स परफेक्शन इफ़ यू आर कनेक्टेड विद गॉड यू विल बी होली एज गॉड इज होली. जैसा पिता परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनोगे. तो पहली बात हम देखते हैं. दूसरी बात, हम जब आगे बढ़े थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के साथ जब सिद्ध बनते हैं तो सिद्धता में ह्यूमन मैच्योरिटी जो है वो होता है. हम मानव रूप से हम जो है परिपक्व होते चले जाते हैं. मानव रूप से परिपक्व कैसे होते हैं अगर हम देखें तो आत्मिक ज्ञान में हम बढ़ते हैं. वी विल ग्रो इन स्पिरिचुअल विजडम. हम आत्मिक ज्ञान में बढ़ते हैं. एक वचन मेरे साथ खोलिए, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 6 वचन. पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसके 6 वर्स को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, सिद्धता में जब हम चलते हैं तो किस प्रकार हम जो है आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाते हैं. तो आत्मिक ज्ञान में बढ़ना जो है वो इसका रिजल्ट है कि हम परमेश्वर में सिद्ध होते जा रहे हैं. दूसरा अध्याय उसका 6 वचन देखिए, वहाँ लिखा है कि फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वालों हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है. दैट इज व्हाट द स्पिरिचुअल विजडम इज. इट वॉज हिडन बाय द होल वर्ल्ड बट गॉड हैज रिवील्ड टू यू एंड मी. परमेश्वर ने अपने गुप्त ज्ञान को, परमेश्वर के उस ज्ञान को, स्पिरिचुअल विजडम को परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है. तो प्यारे दोस्तों, सिद्धता की ओर बढ़ना है तो हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होने जरूरी है. एज वी आर ग्रोइंग इन फिजिकल, सिमिलरली वी हैव टू ग्रो इन फिजिकल इन स्पिरिचुअल. हमें आत्मिक रूप से भी बढ़ते चले जाना है. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कुरिन्थियन में प्रेरित पौलुस कलीसिया को बता रहे हैं कि परमेश्वर में हमें सिद्ध होते जाना है. और जो सिद्ध होते हैं वे परमेश्वर के ज्ञान को रखते हैं. संसार में जो नाश होने वाला ज्ञान नहीं है जो हाकिमों के द्वारा होता है, परंतु परमेश्वर का गुप्त ज्ञान जो भेद की रीति से परमेश्वर के संतान को दिया गया है, आपको और मुझे दिया गया है. तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वो ज्ञान है कि कैसे हमें इस दुनिया में रहना है, कैसे जीना है, कैसे हमें अपने कार्य में कुशल होते जाना है. तो प्यारे दोस्तों, ये दूसरी बात को हम देखते हैं. इस मैच्योरिटी में बढ़ने के लिए प्रेरित पौलुस ने कलीसिया में एक और बात भी कहा है. इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय में हम पाते हैं, इफिसियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 13 में हम देखते हैं. इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 13 वचन में हम क्या देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि हमें परिपक्वता में बढ़ने में परमेश्वर अपने ज्ञान को दिए हैं, वो स्वर्गीय ज्ञान को दिए हैं और उस ज्ञान में हमें बढ़ने की जरूरत है. 4 अध्याय उसका 13 वचन, 4:13 वर्स में लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पवित्र पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए. देखिए वहाँ पे 3 बातों का प्रयोग किया गया है. 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स लीड्स अस टू द परफेक्शन. 3 बातें क्या क्या है? फर्स्ट इज फेथ, हम विश्वास में सिद्ध बन जाए. सेकेंड इज हम परमेश्वर के डील डॉल में हम सिद्ध बन जाए. और दूसरी बात जो है उनके मनुष्यत्व में हम सिद्ध बन जाए.
जिस प्रकार यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य थे, 100% मैन एंड 100% गॉड, वी हैव टू बिकम लाइक हिम एज ए 100% मैन. वी विल नॉट बिकम 100% गॉड बिकॉज वी आर नॉट गॉड, बट वी हैव टू बिकम द 100% मैन, देन ओनली दैट इज परफेक्शन इज. एंड दैट परफेक्शन गॉड इज टॉकिंग अबाउट यू एंड मी, गॉड इज टीचिंग टू यू एंड मी. उनके डील डॉल में तुम बढ़ जाओ करके लिखा है. जब तक उनके डील डॉल में ना बढ़ जाते हो, जब तक विश्वास में नहीं बढ़ जाते हो, जब तक उनके पहचान में नहीं बढ़ जाते हो, तब तक हम सिद्ध नहीं हो रहे हैं. इसलिए सिद्धता के लिए हमें चाहिए कि हम उनके डील डॉल में, उनकी पहचान में और विश्वास में हम बढ़े. तीन बातें हैं, डील डॉल में, विश्वास में और पहचान में. जब लोग आपको देखें तो जानने पाए कि वो मसीह है. यस, He is walking and speaking like a Jesus Christ. तभी हम सिद्धता की ओर जाते हैं. इसे हम फिजिकल मैच्योरिटी के साथ साथ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को हम देखते हैं. थोड़ा और आगे चले जाएं तो वहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं जो हम मसीह के जीवन में हम पाते हैं. मसीह के जीवन को अगर हम देखें, सो मसीह जीवन जो है वो खुद परमेश्वर होने पर भी उन्होंने इस सिद्धता को हमेशा इस दुनिया में रहते हुए उन्होंने दिखाया है. 35.5 साल के उनके जीवन में, 33.5 years ही लिव्ड इन दिस वर्ल्ड, उस मनुष्य जीवन में उन्होंने 35.5 साल जो किया वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है. आइए मेरे साथ मिलकर इब्रानियों के पत्री में आइए, हिब्रूस में आइए. हिब्रूस में उसका 7वें अध्याय में जब आते हैं, उसके 7वें अध्याय में बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को सिखाया जा रहा है. हिब्रूस चैप्टर नंबर 5 में, माफ करिए 5वें अध्याय में, इब्रानियों के पत्री उसका 5वां अध्याय, उसके 8 और 9 वचन को अगर हम देखें, वहाँ पर यीशु मसीह को हम अपना एग्जाम्पल अगर बनाएं तो उस एग्जाम्पल के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि यीशु मसीह कैसे थे, यीशु मसीह ने क्या किया, कैसे उन्होंने अपने कार्य को किया. उसके 5th chapter में हम पाते हैं, 5वां अध्याय, उसका 8 और 9 वर्स को देखिए, वहाँ पर लिखा है. वहाँ पर बहुत अच्छे रूप से इस बात को देखते हैं हम. वहाँ लिखा है कि पुत्र होने पर भी, यीशु मसीह जो पुत्र थे, वो एक पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी. दैट इज व्हाट जीसस क्राइस्ट इज. वो एक पुत्र था, उसे कोई जरूरत नहीं थी दुख उठाने की, परंतु वो पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी. दैट टॉक्स अबाउट द ओबीडियंस. इन परफेक्शन वी हैव टू ओबे गॉड्स वर्ड. As Jesus Christ obey God's word, as Jesus Christ obey to suffer. और यहाँ पे देखिए, वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह जो है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर, आज्ञा माना उसके बाद क्या हुए, वो सिद्ध बन गए. He become perfect और सब आज्ञाओं को मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण दे दिया. And he become the eternal salvation for all of us. आपको और मुझे जो है सदा काल का उद्धार प्रदान किया है. सो यीशु मसीह से अगर हम सीखना चाहें तो परफेक्शन में हम क्या सीख सकते हैं. यीशु मसीह जिस प्रकार ओबीडियंट था, जिस प्रकार वो विधेय था, जिस प्रकार उन्होंने दुख उठाकर भी सब कुछ उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, वैसे मैं और आप भी बने. मैं और आप भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बने, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले बने, परमेश्वर के बातों को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बने. दैट्स व्हाट गॉड वांट्स यू एंड मी टू डू, एंड दैट्स व्हाट गॉड्स डिजायर इज टू यू एंड फॉर यू एंड मी. और इसलिए इस प्रकार की बात को जब प्रेरित पौलुस सबको सिखा रहा था, सिखाते सिखाते उसके जीवन में कई बार परिस्थितियाँ उनके विरोध में थी. और जब उनके परिस्थितियाँ उनके विरोध में थी, जब एक बार एक समय ऐसा आया कि वो बहुत दुखी हो गया और उसके जीवन में परेशानियाँ थी, और उस परेशानियों के बीच में वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी आपके वचनों से मैंने सीखा है कि परफेक्ट बनना है, सिद्ध बनना है, परंतु मेरे जीवन में अभी ये समस्या है, ये परेशानी है, ये दुख है, ये तकलीफ है, इस तकलीफ में मैं क्या करूँ. और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करते समय यीशु मसीह ने उनको एक जवाब दिया. और वो जवाब जो है हम सबको जानना जरूरी है. इस सिद्धता में बढ़ते समय हमें उस जवाब को जानना जरूरी है जो 2 Corinthians उसके 12th chapter उसके 9th verse में पाया जाता है. 2 Corinthians chapter 12 verse number 9 में
दुख और तकलीफ में, परेशानी में प्रेरित पौलुस जो है अपने आप को जब वो परिपक्व बनाना चाह रहा था, अपने आप को जब वो सिद्ध बना रहा था, उस बीच में एक जगह हार गया। वो हार कर उसने दुख जो है उसके लिए सहना मुश्किल हो गया था, और उस दुख में उन्होंने यीशु मसीह से प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह का जवाब देखिए क्या है, 2 Corinthians 12:9 मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। 2 Corinthians 12:9 में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, यानी यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस से कहा, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। माई ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू, फॉर माई स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में भी शायद कोई बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बहुत से ऐसे परिस्थिति आते हैं जब हमें लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, हार गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। जब तू वीक होता है, जब तू कमज़ोर होता है, तो मेरी ताकत तेरे लिए काफ़ी है। और इस बात को सुनने के बाद प्रेरित पौलुस जो है उसके आगे के वचनों में कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ जब मैं जो है दुर्बल हूँ। When I am weak, I am happy because I know in me God's strength will be there. फिर दोस्तों, ये प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में सीखा, और उस प्रकार उन्होंने सीखते सीखते वो जो है परफेक्शन की ओर चले गए, एंड बिकम परफेक्ट इन गॉड्स साइट एंड इन द चर्च। कलीसिया में और परमेश्वर की नज़र में वो परफेक्ट होते चले गए। और जब वो परफेक्ट होते चले गए, उन्होंने एक और मधुर बात हमें सिखाया है। वो फिलिपींस के हम पाते हैं, Philippians 3:12 में वो हमें इनक्रेज कर रहे हैं, डोंट स्टॉप देयर, डोंट स्टॉप एंड डोंट थिंक दैट योर वर्क इज़ ओवर और यू आर फेल्ड। तकलीफों में हम ये ना सोचें, जब उन्होंने परमेश्वर से पाया कि मेरी अनुग्रह काफ़ी है, तब उन्होंने एक और बात को लिखा है। और जब वो इस बात को लिख रहे हैं, वो जेल में है, तकलीफ में है, लेकिन उसे मालूम है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए काफ़ी है, तो उसने क्या किया, 3 अध्याय 12 वचन में कलीसिया को कह रहे हैं, 3:12 में, Philippians 3:12 में पॉल टॉकिंग टू द चर्च इन डिफिकल्ट टाइम, उस समय क्या कह रहे हैं कि यह मतलब नहीं कि मैं सिद्ध बन चुका हूँ, परंतु मैं सिद्ध होना हो रहा हूँ। देखिए वहाँ लिखा है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है याद दिला रहे हैं, पॉल सेज दैट आई एम नॉट परफेक्ट बट आई प्रेस ऑन टूवर्ड्स द गोल, आई प्रेस ऑन टूवर्ड्स द गोल। प्यारे दोस्तों, आपको मुझे भी दौड़ने की ज़रूरत है, वी हैव टू रन टिल वी बिकम परफेक्ट। और यहाँ प्रेरित पौलुस याद दिला रहे कलीसिया को कि मैं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। Why Jesus Christ has chosen you? क्यों यीशु मसीह ने आपको बुलाया है? क्यों यीशु मसीह ने आपको चुना है? क्यों यीशु मसीह ने मुझे चुना है? उस बात को अगर याद रखेंगे तो हम यीशु मसीह के पीछे निरंतर चलने वाले, दौड़ने वाले बनेंगे, सिद्ध होने के लिए, सिद्धता की ओर हम दौड़ते चले जाते हैं। सुप्यारे दोस्तों, ये बातों को हमें याद रखने की ज़रूरत है। इन बातों को जब याद रखते हैं तो ये तीनों बातें हमारे लिए बहुत ही उत्साह का कारण बनता है। सबसे पहला, परमेश्वर की ओर देखें जो परफेक्ट है। दूसरा जो है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम फिजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल परफेक्शन में जाते हैं। और उतना ही नहीं, जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनते हैं, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी था, मैं और आप भी आज्ञाकारी बनते हैं। और जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तो हम आत्मिक रूप से हम जो है परमेश्वर में परिपक्व होते जाते हैं। और जब हम उस परिपक्व में बढ़ते चले जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम उनके कार्यों में हम चलते जाते हैं। वी विल डू हिज वर्क परफेक्टली। अगर आप मूसा के बातों में अगर देखें, मूसा के शब्दों में अगर हम देखें, सो मोसेस जो है वो भी आपके जैसा, मेरे जैसा कमज़ोर था, लेकिन जब उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को चखा, परमेश्वर को जाना, तो उसने कहा कि गॉड इज माई रॉक, परमेश्वर मेरी चट्टान है। उसके ड्यूट्रॉनमी में, व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय उसके 4 वचन में कह रहा है कि
परमेश्वर यहोवा मेरी चट्टान है, ही इज अ रॉक, और उसके आगे उसने कह रहा है हिज वर्क इज परफेक्ट, उसके काम जो है वो खरे हैं। और मूसा ने परमेश्वर के काम को खराई से किया। तो प्यारे दोस्तों, मैं और आप भी उस परमेश्वर से हमारे मुलाकात हुई है तो हमें क्या करना है कि हमें खराई में बढ़ना है, क्योंकि उसके काम खरे हैं। वी हैव टू डू हिज वर्क परफेक्टली, दैट्स नंबर वन एज अ कंक्लूजन। जैसे मूसा ने कहा कि मैं उसके काम को परफेक्ट रूप से करूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर परफेक्ट है, उसके कार्य परफेक्ट है, मैं भी उसके परफेक्ट कार्य को करूंगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं, दूसरी बात प्रेरित जो राजा जो है दाऊद महाराज कह रहे हैं, दाऊद राज जो है भजन संहिता उसका 18वां अध्याय उसके 30वें वचन में कह रहे हैं, साम नंबर 18 वर्स नंबर 30 में, जब दाऊद महाराज परमेश्वर के प्रेम को चखा, उसके ज्ञान में जब बढ़ते चले गए तो उसने कहा कि एज फॉर गॉड हिज वे इज परफेक्ट, उसने कहा एज फॉर गॉड हिज वे इज परफेक्ट। वो हमें इस बात को याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के मार्गों में हम चलते हुए हम परफेक्ट बने, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सच्चाई है और उसका वचन ताया हुआ है और वो अपने सब शरणागतों के लिए वो ढाल है। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर जो है उनके मार्ग में हम चलते हैं, उनके कार्य में जब हम बढ़ते हैं तब हम परफेक्ट होते हैं, उनके मार्ग में जब हम चलते हैं तो हम परफेक्ट होते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। तो जब यीशु मसीह के पीछे उस मार्ग में हम चलते हैं तो हम सत्यता की ओर बढ़ते हुए हम परिपक्व होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अब्राहम के जीवन से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मूसा के जीवन में देखा, मूसा ने कहा गॉड्स वर्क इज परफेक्ट। डेविड के जीवन में देखते हैं, डेविड ने कहा गॉड्स वे इज परफेक्ट। जब हम अब्राहम को देखते हैं एट द एज ऑफ 99, जब वो 99 साल का था, जब वो 99 साल का था और परमेश्वर उससे मुलाकात करते हैं, उसके 17th चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 1, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 1 में अब्राहम के साथ परमेश्वर ने कहा, व्हेन लॉर्ड अपीयर टू अब्राहम, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर जो अब्राहम के सामने आए और उसने कहा आई एम ऑलमाइटी गॉड, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, वॉक इन माई वे एंड प्रेजेंट एंड यू विल बिकम ब्लेमलेस, यू विल बिकम परफेक्ट। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तब हम परफेक्ट होते हैं। तीन बातों को मैंने कहा, 3 W's आर देयर, फर्स्ट इज वर्क, वे एंड वॉक, 3 things आर देयर, वे, वर्क एंड वॉक। मूसा ने कहा आपके कार्य, जब उनके कार्य में चलते हैं तो हम परफेक्ट होते हैं। दूसरा उन्होंने कहा आपके मार्ग जो हैं वो मार्ग परफेक्ट है। केवल मार्ग परफेक्ट है जानने से काफ़ी नहीं है, उस मार्ग पर चलना है। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा यू वॉक इन माई प्रेजेंस, यू वॉक इन माई वे एंड यू विल बिकम ब्लेमलेस, यू विल बिकम ब्लेमलेस, यू विल बिकम परफेक्ट। प्यारे दोस्तों, इन वचनों को जो हमने सुना है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनमें हम परिपक्व बने, वो चाहते हैं कि हम जो है उनमें निरंतर चलने वाले बने, उनके मार्गों में चलने वाले बने। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। और जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं तब तक चाहे परेशानी हो, तकलीफ़ हो या दुख हो या जो भी हो, हम इस बात को जानते हैं कि जब हम कमज़ोर रहते हैं तो परमेश्वर की ताकत मेरे लिए काफ़ी है, परमेश्वर की अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। और उसके साथ उन बातों को याद रखते हुए हम निरंतर दौड़ते चले जाते हैं। लेट अस नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज, लेट अस डोंट थिंक दैट यू आर लॉस्ट, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, वी डिड नॉट चोज गॉड। अगर हम परमेश्वर को चुनते तो शायद हम किसी धन को अपना परमेश्वर बनाते, अगर हम परमेश्वर को चुनते तो शायद हम किसी अच्छी विलासिता को अपना परमेश्वर मानते। और इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उनके पीछे चलते हुए उनकी शांति को अनुभव कर सकें, उनके राज्य में प्रवेश कर सकें और अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकें। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करते हुए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो सिद्ध है, गॉड द फादर हु इज़ परफेक्ट एंड ही वॉन्ट्स अस टू बी परफेक्ट। जो पिता परमेश्वर सिद्ध है
खरा है, अच्छा है, प्रेमी है, वो चाहता है कि हम भी उनके समान बनें। वो चाहते हैं कि हम भी उनके स्वरूप को धारण करें। वो चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह जयवंत बनें। हम कभी भी हारे ना, परंतु उनके लिए दौड़ने वाले बनें, और हम कभी भी पीछे ना देखें, परंतु आगे और आगे की ओर बढ़ते हुए, हम परिपक्वता में बढ़ते हुए, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हुए, परमेश्वर के नाम को ऊँचा उठा सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। प्रार्थना करते हैं। खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आप हम सबसे बेहद प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, और इसलिए आप चाहते हैं कि हम आपके स्वरूप में, आपके पहचान में, आपके डील डॉल में हम बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत से बार हम हार जाते हैं, बहुत कई बार हम प्रभु जी निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, आपका मधुर वचन एक बार हमें फिर से उत्साहित करता है, एक बार फिर से हमें याद दिलाता है कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो आपकी ताकत हमारे लिए काफ़ी है, जब हम अकेले होते हैं तो आप हमारे साथ हैं, और आप हमें लेकर चलने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आपके उन सारे प्रॉमिसेस को याद करते हुए, उन सारे प्रॉमिसेस को हम स्मरण करते हुए, हम कभी भी इस दुनिया में निराश होकर, हम हताश होकर आपसे दूर ना जाएं, परंतु निरंतर आपके बल को अपने जीवन में अनुभव करते हुए, आपके बल में हम बढ़ते हुए, हम आपके लिए गवाह बनकर आपकी रोशनी को फैलाने में आप सहायता करिए। पिता परमेश्वर, हम निरंतर आपके वचन को सीखने में, आपके वचन में के ज्ञान में हम बढ़ने में आप सहायता करिए। प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबके साथ बातें की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम सब प्रभु जी आपके दोबारा आगमन की ओर ताकते हुए, निरंतर आपके स्वरूप में ढलते हुए आगे बढ़ने में सहायता करिए। जितने भाई बहन आपके वचन को सुने हैं, उन सबों को आप आशीष दीजिए, ताकि वे और भी आप में संलग्न हो सकें, और भी परिपक्व हो सकें, और भी सिद्धता में बढ़ने वाले बन सकें। आप ऐसा करेंगे इसी विश्वास के साथ, इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। संजय से गुहार करते हैं, आगे आए लॉर्ड्स टेबल में मदद करें।